हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। यदि आप एसएससी जेई एस्पिरेंट हैं, आप अक्टूबर 2023 में जो एसएससी जेई की एग्ज़ाम होने जा रही है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। अभी मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, बात करते करते ये समझ में आया कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कि जो प्रिपरेशन करता है स्टूडेंट, उसको ये पता नहीं होता है कि सर मुझे किस स्टेप पर क्या चीज़ों को फॉलो करना है, मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो ये मैंने फील किया उन स्टूडेंट के साथ बात करके, तो इस वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जिससे कि और भी कैंडिडेट यदि इस टाइप का फील करते हैं या अपनी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम एनालाइज नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। और सारे एस्पिरेंट जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करने वाला है ये वीडियो। यदि हम बात करें अक्टूबर 2023 एग्जाम में कितना टाइम बचा है, 3 महीने बचे हैं। कुछ बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ, वो कह रहे थे कि सर इस बार एसएससी जेई 2022 का जो कट ऑफ गया है वो तो सर बहुत ज़्यादा चला गया, बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया सर, उससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ रहा है, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। जिस फ्लो में रिजल्ट के पहले प्रिपरेशन हो रही थी, उस फ्लो में सर अब प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब अंदर से फील ही नहीं आ रहा कि मैं इतने नंबर 150 मार्क्स लेकर के आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ये ना केवल एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, मोस्टली ये सारे स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जब हम किसी मोटिवेशनल वीडियो की बात करते हैं, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो कितने दिन तक मोटिवेशन रहता है? ओनली 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा। तो डीमोटिवेशन यदि हमारे साथ, रिजल्ट तो 1-1.5 महीना पहले आ चुका है, अभी तक डीमोटिवेटेड हो आप, तो जब मोटिवेशन साथ नहीं रहा तो अब डीमोटिवेशन क्यों साथ में रह रहा है आपके? कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज जरूर करिएगा, तभी जाकर के वीडियो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। यदि कोई भी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पहली स्टेप होती है, कुछ स्टेप्स के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, कौन सी स्टेप कब करना चाहिए, कौन सी स्टेप पैरेलल चलानी चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके सिलेबस को कंप्लीट करना सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होना चाहिए। अभी अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम होने जा रही है, आपका टारगेट होना चाहिए कि सेप्टेम्बर 2023 तक आप सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लें। सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपने यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है या आप कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट आप एक एक बार पढ़ चुके हैं और इनके नोट्स बना चुके हैं, मेन नोट्स जो क्लास में लिखवाए जाते हैं। तो इसका मतलब निकलेगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट की अलग अलग डेफिनेशन होती है सिलेबस कंप्लीशन की। तो सेप्टेम्बर 2023 तक हमें सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। दूसरी बात आती है, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट के साथ साथ हमें PYQs भी लगाने रहते हैं, टॉपिक वाइज भी और चैप्टर वाइज भी और पूरा सब्जेक्ट वाइज भी। यदि आप PYQ लगा रहे हैं इसके साथ, तो ये वाली स्टेप PYQ और ये स्टेप आपकी पैरेलल चलेगी। PYQ में जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए आपको, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कोई फैक्चुअल डेटा है, कोडल प्रोविजन है, फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको याद करना है, रिमेम्बर करना है, उन पॉइंट्स को आपको शॉर्ट नोट में लिखना रहेगा। तो आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो एक मेन नोट आपके पास बन चुका है, अब बारी है शॉर्ट नोट की। तो ये तीनों स्टेप, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, शॉर्ट नोट, PYQ, ये पैरेलल चलेगी। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, एट दी सेम टाइम आपको PYQ लगाना है और एट दी सेम टाइम पैरेलली आपको शॉर्ट नोट भी बनाते चलना है। शॉर्ट नोट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हम इतने सारे सब्जेक्ट्स, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल देखते हैं, आप धीरे धीरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जा रहे होंगे। इनिशियली मान लो 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, उसके बाद फर्दर आप 3 सब्जेक्ट पर आ गए, तो जो पहले 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब उनके टच में नहीं हो आप और उनके कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हो। तो बेस्ट तरीका रहता है जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उनके टच में रहने का, और वो है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के थ्रू हम जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके रहते हैं उनके टच में बहुत मिनिमम टाइम में रह पाते हैं, क्योंकि जो मान लो 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए, उसके तीनों सब्जेक्ट के एक सब पर सब्जेक्ट यदि हम नोट्स की बात करें तो 200-300 पेजेस के आपके नोट्स हैं, तो 600 पेजेस हो गए 3 सब्जेक्ट के। अब ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट आपके रनिंग में, क्या आप उस 600 पेजेस का रिविजन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं।
600 पेजेस देख करके ही बहुत सारे बच्चे, सर टाइम नहीं इतना, जो क्लासेस चल रही है उस क्लास को अटेंड करें या वो रिविजन करें। तो वो जो 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं उसके शॉर्ट नोट यदि आप बना लेते हैं, तो आपको रिवाइज करने के लिए वो जो 300 पेजेस है आप उसको शॉर्टली, उसकी समरी यदि 20 पेजेस में, 15 पेजेस में लिख लेते हैं, तो आपको जस्ट वो 15-20 पेजेस को ही रिवाइज करना होता है और आप उस सब्जेक्ट के टच में रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये चीज फॉलो, इस चीज को फॉलो किया होगा, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो नहीं फॉलो किए होंगे, तो अब वो थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे होंगे कि सर ने ये जो बात बोली ये तो हम फॉलो कर ही नहीं रहे थे। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में आप जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अभी भी 3 महीने हैं अपने पास, आज से ये हैबिट में डालो कि जो सब्जेक्ट रनिंग में, उसके PYQ लगाना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना, और जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए आपके पास अपने क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स और PYQ ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप रेगुलरली शॉर्ट नोट्स के थ्रू सब्जेक्ट के टच में रहें। सर जितने भी पहले के सब्जेक्ट हो चुके हैं उनका क्या करें, उनको अभी भूल जाए हो, अभी आज की डेट से जो सब्जेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हो उन पर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। जिन्होंने नहीं किया है, जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए एक गुड रैंक के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद बात आती है लास्ट में, लास्ट में एक टेस्ट सीरीज आपको दिख रहा होगा। टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए हमें, जैसे अभी हम अक्टूबर 2023 एग्जाम की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 2023 एग्जाम के पहले सितंबर 2023 में हमें सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, और आई थिंक एसएससी जेई की जो डेट है वो 10, 9, 10, 11 अक्टूबर है। तो जो लास्ट में अक्टूबर के हमें 8-9 दिन मिलेंगे, उन 8-9 दिन में हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा ये है कि एक तो वो जो 2 घंटे का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाता है, टाइमर चलता रहता है, कहाँ पर सिली मिस्टेक हम कर रहे हैं ये पता चल जाता है। इवन टेस्ट सीरीज में एसएससी जेई के PYQ के अलावा अदर स्टेट की AEJEE एग्जाम के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के भी टच में आएंगे, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपके ब्रशअप होंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज को देना, वो भी लास्ट मोमेंट पर। तो आज की डेट में आपको ये एनालाइज करना है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। आई थिंक 80% स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जो वीडियो अभी देख रहे होंगे, जिन जो फर्स्ट स्टेप पर होंगे, सर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी सिलेबस। 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पास्ट 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे या 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, नोट्स बन चुका है सर, शॉर्ट नोट बन गया है। अभी हम सर PYQ और टेस्ट सीरीज पर फोकस कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस को इंक्रीज कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं सर 2 आवर्स का, कि एग्जाम में सिली मिस्टेक ना हो और हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो वही चीज सभी को भी फॉलो करना चाहिए। बट ठीक है, यदि आपने प्रिपरेशन 1 साल से आप नहीं पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन पास्ट 1 ईयर से आपने स्टार्ट नहीं करी या 2 ईयर से स्टार्ट नहीं करी, कोई बात नहीं, आज की डेट में भी 3 महीने हैं आपके पास अवेलेबल है, 3 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जितने भी सब्जेक्ट हो गए हैं उनको अभी छोड़ो, उनको रिवाइज करना डेफिनेटली करना, लेकिन जो सब्जेक्ट अभी रनिंग में है उस पर प्राइम फोकस होना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल करके जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनका भी रिविजन मस्ट है। तो आप एनालाइज करिए आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज पता चला कि सितंबर 2023 आ गया और आपका सिलेबस भी नहीं हुआ, ना ही PYQ लगाए हैं, ना ही कोई टेस्ट सीरीज के लिए सर अब मोटिवेशन आ रहा है क्योंकि PYQ नहीं लगे, तो अब टेस्ट सीरीज क्या लगाएं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या लगाएं सर, अब शॉर्ट नोट भी नहीं बने, ऐसी कंडीशन में हो सकता है डीमोटिवेशन आपको आए। यदि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए होंगे, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए होंगे, और अब वो देख रहे होंगे कि सर 3 महीने में आने वाले जो 12 सब्जेक्ट हैं या 11 सब्जेक्ट है टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के, सर ये कैसे हैंडल कर पाए, मेरा सजेशन उन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि आप केवल प्राइम फोकस करिए PYQ पर, केवल PYQ 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 लगाइए, और रीजनिंग पर थोड़ा सा अपना हाथ, या जिसको बोलना चाहिए अपनी थोड़ी सी कमांड कर लीजिए रीजनिंग वाले पोर्शन पर, जिससे कि आप एग्जाम में एक डिसेंट स्कोर लेकर के आ पाए। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए हमें 1 साल की नीड होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, क्योंकि टेक्निकल भी है नॉन टेक्निकल भी है, और नॉन टेक्निकल की यदि बात करें आप, तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन में जितना पढ़े आप उतना कम है, क्योंकि कुछ भी वहां पर पूछा जाता है, करेक्ट। रीजनिंग का पोर्शन आपका स्ट्रांग कर लें, दूसरा टेक्निकल पर PYQ लगा करके आप
जितना भी PYQ लगा सकते हैं सारे सब्जेक्ट के वो लगा लें। ऐसे बच्चे जो अभी एक दो सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर चुके हैं और जो थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, बाकी जिन्होंने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है या फिर जिन्होंने जो एंड पर है सब्जेक्ट के कंप्लीशन होने वाला है जिनका, उनके लिए सजेशन है फटाफट से आप सब्जेक्ट कंप्लीट करिए और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं, चाहे वो PYQ के फॉर्म में हो या फिर वो टेस्ट सीरीज अदर स्टेट के AEJEE के क्वेश्चंस हो। इम्पॉर्टेंट कब रहेगा ये वीडियो, जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे और नेसेसरी स्टेप आने वाले दिन के लिए उठाएंगे, तब ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी 3 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है 3 महीने में भी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन बैचेस के बारे में। SSC JEE 2022 का रिजल्ट आया और नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं अनअकैडमी से, चाहे आप CPWD डिपार्टमेंट की बात करें, MES डिपार्टमेंट, BRO डिपार्टमेंट, बहुत सारे सिलेक्शन दिए अनअकैडमी ने इस बार। आप भी हो सकते हैं यदि आप प्रिपरेशन एक गुड लेवल पर करते हैं तो। 15% से फीस ड्रॉप हो चुकी है, अभी जो करंटली ऑफर चल रहा है 15% से फीस ड्रॉप हो गई है 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। करंटली ऑल इन वन बैच रनिंग में, जिसमें हम झारखंड SSC JEE, BTSC JEE, RSM, SSB एंड DDA JEE को टारगेट कर रहे हैं और इसकी बैच स्टार्ट हो चुकी है 9th जून से। यदि आप इस बैच में एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको एक्सेस दिया जाता है सारी बैचेस क्लासेस का, क्लास का PDF आपको मिल जाता है क्लास के हाफ एन आवर के बाद, जैसी क्लास एंड होगी हाफ एन आवर के बाद उसी ऐप से आप क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप से। वेरियस प्रैक्टिस क्वेश्चन और डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं और सारे AEJEE एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पर इस कोर्स को हम डिजाइन करते हैं, यहाँ पर स्टडी कराई जाती है। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ये ऑफर कब तक है, 30th जून तक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप GA1111 कोड यूज कर लें, GA1111 इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। यदि आप 6 मंथ के कोर्स के साथ जाते हैं तो 7,313 रुपीज आपको पे करना रहेगा GA1111 कोड लगाने के बाद, और यदि आप 12 मंथ के साथ जाते हैं तो आपको 10,186 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अभी जो बैच रनिंग में है वो ऑल इन वन बैच है, जिसमें स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है जसपाल सर ने, इसका टाइमिंग 12 PM रहता है। एनरोलमेंट के लिए GA1111 कोड यूज कर सकते हैं। इस बैच को हम टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2023 तक, ये एक टेंटेटिव प्लान है, नवंबर 2023 तक हम टारगेट कर रहे हैं इस बैच को एंड करने का, सारा कंप्लीट कराने का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए था, आप कितना इस वीडियो के थ्रू अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं यदि आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है 3 महीने का यूटिलाइजेशन, PYQ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस PYQ को करना, चाहे टेक्निकल की बात करें नॉन टेक्निकल की बात करें, टाइम को मैनेज करना। उस 2 घंटे के दौरान आपका माइंडसेट क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले आप प्रायोरिटी देंगे, रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करेंगे, जनरल अवेयरनेस पहले अटेम्प्ट करेंगे या टेक्निकल पोर्शन पर जाएंगे, पूरा माइंडसेट लेकर के चलना होता है एक स्टूडेंट को जब वो प्रिपरेशन करता रहता है। तो अपने आप को एनालाइज करो और नेसेसरी स्टेप उठाओ आने वाले 3 महीने के लिए, डेली वीकली मंथली टारगेट सेट करो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जी जान लगाओ।